वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और शेफ मायरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप लोग, आपको भी जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा, आज आज़ादी का दिन है तो आज क्या बना रहे हो ये बताएं। आज हम बना रहे हैं बेसिकली आज़ादी बिरयानी। आज़ादी बिरयानी। अच्छा, खाते हम आज़ाद हुए जिसके अंदर हम सारे ग्रीन मसालों का इस्तेमाल करेंगे। good. और बिरयानी में बिल्कुल भी रेड कलर नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल ग्रीन सी है, व्हाइट एंड ग्रीन जो कॉम्बिनेशन है हमारे झंडे का, बिल्कुल वैसी ही। वाओ, व्हाइट एंड ग्रीन जो हमारे फ्लैग का कलर है। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपने ये करना है, ये चिकन मैंने रखी हुई थी। ठीक है, चिकन आप 1 kg चिकन लेंगे। ग्रीन चिलीज आप 4 से 5 लेंगे। साथ में आप 1 tablespoon जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे। 1 teaspoon आपने लेना है भुना जीरा। 1 teaspoon आपने लेनी है ब्लैक पेपर और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के उसको पीस कर एक पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, वो पेस्ट आपने पूरी रात चिकन में, इसका ढक्कन पेस्ट आपने पूरी रात चिकन पे लगा के, एक बार फिर बताओ इसमें क्या क्या डाला है। ठीक है, चिकन के अंदर आपने डाला है 1 teaspoon भुना हुआ जीरा। ठीक है, लुक एट दिस, ये 4 to 5 जो है आपने हरी मिर्ची लेनी है। साथ में नमक आपके टेस्ट के हिसाब से होगा, ब्लैक पेपर 1 teaspoon होगा और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 tablespoon होगा। इन तमाम चीजों को पीस के एक पेस्ट बनेगा जिससे इसको मैरिनेट करके आपने जो है पूरी रात रखना है। और उसके बाद आपने सिर्फ हल्का सा इसको चूल्हे पे रख के चिकन के ही पानी में आपने ऑयल डालना है 3 tablespoon और इसको डाल के सिर्फ आपने थोड़ा सा कुक कर लेना है। फुल चिकन को डन नहीं करना क्योंकि बाकी की चिकन दम पे बनेगी, क्योंकि कच्चे दम की तरह थोड़ी होगी। सिर्फ हमने इसमें जो मसाले हैं उनको बेसिकली हल्का सा कुक किया उसका कच्चापन दूर करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ अब ये दम लगेगा। दम लगाने के लिए सिंपली हम इसके अंदर ये सारी चीजें दही डालेंगे। अच्छा, दही, ये दही है, दही ये रायता है। अच्छा ठीक, इसे हटा देते हैं, ये वाला दही यूज होगा। ठीक, इसे दही को हम फेंट के अब इसके ऊपर डालेंगे। सिर्फ ऊपर से दही डालेगा, मिक्स नहीं करेगा। हम यूजुअली बिरयानी में मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी, बिल्कुल ऐसा ऐसा इन्होंने ग्रीन यानी कि व्हाइट एंड ग्रीन को कॉम्बिनेशन करते हुए आजादी बिरयानी बना रही है। वाह भाई वाह, ये जो है आपने दही डालना है 3 tablespoon। यस, ये हम लोग अभी लेयर जो हम कहते हैं ना बिरयानी, लेयरिंग करेंगे दही के साथ। टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा इसका। हाँ, लेयरिंग ही होगी। ओके, साथ में आप इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना। ओके गुड, और जितनी अच्छी मकदार में डालेंगे ना मजा भी उतना ही आएगा। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर के लिए भी ग्रीन रख देते ना लुक के लिए। चलो ठीक है, नहीं नहीं अंदर ही जाएगा, अंदर ही ऊपर से प्याज जाएगी। शेफ मायरा कह रही है नो वे, यहाँ पे जाएगी ये तली हुई प्याज, बाकी की हम डालेंगे ऊपर। और अब इसके ऊपर चावल डाल के हम दम लगाएंगे। गुड हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चावल लिए, ये 2 cup चावल है। इसको आपने पानी के साथ बॉईल करना है नमक डाल के, और सिर्फ छोटी वाली जो इलायची है उसके साथ हमने बॉईल कर लिया। और एक कनी छोड़ देंगे। जी, एक कनी छोड़नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें कितना क्विकली और विदाउट एनी ज्यादा स्पाइस के, मैं ये कहूँगी सिर्फ हरी मिर्चों का इसमें ज्यादा स्पाइस होगा, ब्लैक पेपर। वो जिसको खानी हो फिर वो खा सकता है, जिसको मन है वो नहीं खाए। yes. हरी मिर्च तो वैसे भी विटामिन फायदेमंद है, खानी चाहिए था। okay, good, okay. लाल मिर्च को अवॉइड करें। क्या बात है, क्या बात है। ये डाल के आपने सिर्फ इसको दम लगाना, इसको स्टीम करना है। और स्टीम करने से पहले आप ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे। अच्छा, ऑयल हल्का सा डालना है, हल्का सा डालना है क्योंकि ऊपर से थोड़े चावलों में ना वो ड्राइनेस ना है। ओके, हल्का सा। और इसको अब हमने दम लगा देना है। ओ माय, तो ये आपकी जो है आज़ादी बिरयानी बहुत मज़ेदार सी रेडी है विद रायते के साथ। आप इसको डन करेंगे 10 मिनट के लिए, इसको दम देंगे और ये डन हो जाएगी। ये हो गया हमारे, ये भी असल में हमने रखी है कि ये मैक्सिमम 20-25 मिनट तो जाएगी। हाँ, मतलब 10 मिनट में भी, क्योंकि हमारी आप डन है चिकन तो ये बहुत जल्दी दम हो जाएगी। Everything is cooked, तो ये जल्दी दम हो जाएगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। इन्होंने बहुत जबरदस्त क्विकली बिरयानी बनाई है, उससे का नाम है आजादी बिरयानी। यहाँ पर लेंगे ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।